गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो मैं जा रही हूँ कॉलेज और अभी सूरी जा रहे हैं मैरिफॉर्म। लुक व्हेयर आई गो, आई वाज इन द कार, आज आई वाज ओपनिंग अ पोकेमॉन कार्ड। तो अबीर को मिले हैं पोकेमॉन कार्ड्स डैडी से, डैडी उसके लिए पेरिस से लेकर आए हैं, तो बहुत एक्साइटेड है। आपको हम दिखाएंगे जब हम वापस आ जाएंगे। दिस इज द पोकेमॉन कार्ड आई जस्ट गॉट, आई जस्ट पुल्ड इट आउट ऑफ द पैक राइट नाउ इन द कार। So when you pick up the section, there's already had some color on it, so you should see the color come through. So yeah, it's good customer service, good client service. मैं कॉलेज आ गई थी, आज हम सीख रहे हैं कलरिंग करना और कलरिंग इज फन। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसी सेशन में आ रहा है। मुझे बहुत बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मैं आपको सच सच बताऊँ भैया, हेयर ड्रेसिंग की ना पढ़ाई है, पढ़ाई प्रॉपर पढ़ाई है। और अगर मुझे अगर मैंने ये चीज़ चूज़ करी है तो आई शुड गिव माई 100%। लाइफ बिजी थी, सुपर बिजी थी, अब सुपर डूपर बिजी हो गई है, बट नहीं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। सॉरी मेरी आवाज़ अगर ऐसी, मुझे पता है मेरी आवाज़ कैसी है, लेकिन थोड़ी सी अगर और भी गंदी आ रही हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ और लाइब्रेरी भरी पड़ी है। ठीक है, तो मैं बैठ गई हूँ अपनी एडिटिंग पर। ठीक है, तो फटाफट करते हैं एडिटिंग और उसके बाद वापस जाना है क्लास में, क्योंकि ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आज अपने हेड ब्लॉक को कलर करा है, ठीक है, और फिर उसको हेयर कट दिया है फॉरवर्ड ग्रेजुएशन। लेट्स सी मेरी टीचर को कैसा लगता है। yeah. अभी इसका ब्लो ड्राई करना है मुझे। हाय बेटा, बट हाउ डिड इट हैपन? आई स्लिप्ड। ओके, गो इनसाइड, आई विल टॉक इन अ मिनट। क्या हो गया बेबी? आई हर्ट माय एल्बो, सो आई वाज रनिंग एंड आई डिडंट सी द स्लिप साइन ऑन द बॉयज टॉयलेट एंड आई स्लिप्ड एंड ओए मेरा बच्चों, मैं घर जाकर रोटी बना के खिलाती हूं मेरे बच्चे को। तो बस गाइस, मैं वापस आ चुकी हूं कॉलेज से। सौरभ ने मुझे पिक कर लिया था और अबीर को भी पिक कर लिया अब हमने, और अब हम जा रहे हैं घर। सॉरी अगर मैंने मुंह पे कुछ लगा हो, बिकॉज़ आई जस्ट ईटन अ मैकडॉनल्ड्स का रैप। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था और अपना तो बस सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, अभी अभी एक रैप खाया है और अबीर को भी उसको खाना खिला रहे हैं। यार फ्राइडे हमारे लिए आई थिंक सुपर बिजी दिन होते हैं, है ना। मैं तो अभी भी जाके काम करना, मुझे असाइनमेंट पूरा करना है यार, असाइनमेंट सबमिट करना। अभी तक गाइस असाइनमेंट अभी तक नहीं सबमिट हुआ है, तो बस असाइनमेंट अभी सबमिट होगा घर जाकर। सबसे पहले अबीर के लिए खाना बनेगा एंड आई होप, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था, पता मुझे ना कॉलेज में ही लग रहा था कि अभी की तबीयत खराब हो रही है। अभी हाउ आर यू फीलिंग? यू जस्ट टोल्ड डैडी ना कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। या यू फीलिंग गुड? मिडिल मिडिल, अच्छा मिडिल में हो तुम, मिडिल फील कर रहे हो बेटा। मिडिल मिडिल मत फील करो, त्योहारों का टाइम है। चलो भाई चलो घर, चलो घर चलो, बहुत सारा काम गाइस। और ये देखो, इसलिए मेरा फ्राइडे को व्लॉग लेट आता है यार, अभी एडिटिंग भी कर रही हूँ। और चलो यार चलो जल्दी चलो, मैं भी जल्दी चलो। ये तेरा बर्गर तो बड़ा स्वाद लग रहा है, ये तू खा तू। तो गाइस बस अभी को खाना वाना देकर सौरभ उसको सुला रहा है और मैं बैठ गई हूँ अपने असाइनमेंट पे। होपफुली जल्दी फिनिश कर लूँगी, क्योंकि 12 बजे की डेडलाइन है, मतलब कि 11:59 से पहले पहले मुझे सबमिट कर देना है। तो बस मैं सबमिट करती हूँ। और एक चीज़ और, मेरे दांत का दर्द वापस आ रहा है और मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैंने अभी भी पेन किलर खाई है और अभी तो प्राइवेट अपॉइंटमेंट का भी कुछ नहीं हुआ है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेट मी फिनिश दिस। सो हियर यू गो, मेरा असाइनमेंट पूरा हो गया है और मैंने सबमिट भी कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी।
देख रहे हो आप, मैंने इतनी बड़ी वो बनाई है प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली सौरभ ने मेरी थोड़ी हेल्प करी है। तो ये पोस्टर खुद से बनाना था, तो ये हमने अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए बनाया है। आई डोंट नो कैसा है, अच्छा है बुरा है, आई रियली डोंट नो, तो ये मैंने बना दिया है। सो यप, दैट वाज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। ओह माय गॉड, आई एम सो सो हैप्पी। प्रेजेंटेशन टाइम पे चली गई भाई, असाइनमेंट पूरा हो गया। अब अगला असाइनमेंट है 2 हफ्ते के बाद। हो हो, बट मेरे दांत का दर्द भी बढ़ रहा है, तो मैं ना जाकर सोती हूँ। आई रियली डोंट नो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी या मैं इस ब्लॉग को आगे लेकर जाऊँगी। अगर मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या शूट करा है, क्योंकि इस टाइम में मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है। तो आई जस्ट गो एंड स्लीप, और नहीं तो आई विल गो एंड स्लीप, और आई माइट सी यू इन द मॉर्निंग, और आई माइट सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी आपसे मिलती हूँ गाइज। आई एम वेरी सॉरी, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरा बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे ये भी समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। सो आई बेटर गो एंड स्लीप, क्योंकि अभी आने वाले 2 दिन में बहुत काम है। दिवाली की सारी तैयारियाँ करनी है, धनतेरस है, उसकी शॉपिंग पे जाना है, और ये दांत का दर्द, हे भगवान बस पेन किलर से सेटल कर देना। अब जो कुछ भी हो ना, दिवाली के बाद ही हो सच में। एक तो कोई वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है, तो बस बहुत दर्द है भाई। चलो मिलती हूँ आपसे जल्दी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी तबीयत खराब ही है। दवाई भी खाई थी ना, फिर भी ठीक नहीं हुआ। दांत के दर्द को भूलना पड़ेगा और दवाई दोबारा से खानी पड़ेगी, क्योंकि आज है धनतेरस एंड वी आर गोइंग फॉर धनतेरस की शॉपिंग। नहीं, धनतेरस की शॉपिंग तो हो जाएगी, पहले अपने आप को ठीक तो कर। हाँ यार, मैं ठीक कर लूंगी। दांत का दर्द जरा सेटल कर। मैं अभी क्या कर रहे हो बेटा? एक बार फोन कर लेगा एनएचएस प्राइवेट वाले, जो भी है वो एनएचएस प्राइवेट व्हाटएवर इट इज। मेरी आंखों पे इतनी स्वेलिंग आ रखी है क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, बहुत दर्द था। 4 बजे जाके सुबह दांत सेटल हुआ है, दर्द सेटल हुआ है, लेकिन अभी मैं कुछ खाने लगी हूँ चाय के साथ। और ऊपर से पता नहीं यार मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हैं, व्हाट्सएप का ऐप ही नहीं खुल रहा है, वो लोडिंग लोडिंग दिखाई जा रहा है। चेक करता हूँ। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग जो मैंने आईकिया से और डेनिम से करी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऐसे बातें करूँगी ना तो आई विल फील बेटर। तो बैठने का टाइम नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है मुझे ना, जब तुमसे बात कर रही हूँ दर्द आ रहा है। But let's not think about that. Because I want to enjoy the festive time. छुट्टी है अब तो, 4 दिन, तो 4 दिन ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे लग रहा है कि 4 दिन ऐसे निकल जाएंगे। कल हमारे घर पे आ रहे हैं हमारे friends and I'm very excited. और बहुत कुछ करना है guys. तो सबसे पहले पीते हैं चाय के साथ कुछ खाते हैं और फिर तैयार होकर निकलते हैं धनतेरस की शॉपिंग पे। होपफुली पेन किलर्स काम करेंगी। मैंने एडवांस वाली पेन किलर ली है एंड I'll be fine guys. मेरी मैं अपनी हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखूंगी because I want to enjoy the festival time. तो हाँ जी, तो मैंने जो शॉपिंग करी है, so finally I've got a ice bucket for our bar. तो मैं इसको डेकोरेट करके आपको दिखाऊंगी। तो ये चला जाएगा हमारे बार पे, ठीक है। दिस इज गोल्डन में, ठीक है, गोल्डन। और ये मैं ग्लास के स्टोरेज बोल्स लेकर आई हूँ आईकिया से। तो इनका प्लास्टिक का ढक्कन है लेकिन ये ग्लास के हैं किचन के लिए। तो ये सारा मेरा किचन का सामान है। तो जैसा कि आपको पता ही है मेरे किचन में सारा सामान खत्म हो रखा था। सो दिस इज फॉर द किचन। ये अनपैक करके इनको डिशवॉशर में लगा देना यूज से, ठीक है। और ये मैं लाई हूँ दिवाली के लिए, एक गोल्डन कलर का बोल वहां से आईकिया से। और ये खरीदा है मैंने बार टूल सेट। गाइस आपको लग रहा होगा दिवाली पे क्या बहुत ही पीने पिलाने का प्रोग्राम है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हमारे बार के लिए, हाँ ये हमारी बार के लिए। तो हमारी बार वो है वहां पर, तो बार हमारी है यहाँ पे, तो ये सब कुछ तो हट जाएगा लेकिन ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे ना स्टैंड, और वो आइस बकेट भी आ जाएगी। जी जी जी, ठीक है। टी लाइट्स आ गई है, ठीक है, दिवाली के लिए सारी टी लाइट्स। और दिए तो हमारे पास हैं, थोड़े दिए जलाएंगे थोड़ी टी लाइट्स जलाएंगे, ठीक है। और ये अबीर के लिए वो एग
खिलाना शुरू करना है ना इसको, हाफ बॉइल्ड एग फिर इसमें डिप करके खाएगा, तो इन छोटे छोटे बोल्स के अंदर वो एग खड़ा हो जाएगा एंड ही कैन हैव इट इन ब्रेकफास्ट। ये और थोड़े स्टोरेज जार्स लाई हूँ मैं आइकिया से गाइस, बहुत हैंडी होते हैं ये छोटे छोटे, कोई भी थोड़ी सब्जी बच गई, आटा बच गया, वो सब रखने के लिए। तो पता किचन के अच्छी खासी चीजें आ गई। और ग्लासेस, आप मानोगे नहीं घर में ग्लासेस खत्म हो रखे थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। यार देखो ना मेरे को ग्राहक से ना मेरे वो जो पुराने वाले ग्लासेस थे, ग्लासेस का सेट है वो निकाल के दियो यार, जब से हम नए घर में आए मैंने वो निकाला ही नहीं है। कौन सा था? चल मैं चेक करूंगा। तो ये ग्लास लाए हैं हम लोग आइकिया से, तो ठीक है। ये सब कुछ डिशवॉशर में लगा दियो ताकि ये यूज करने के लिए हो कल से, ठीक है ना। और आज शाम को हमारे नेबर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं लाई हूँ अपनी टॉयलेट के लिए, तो मेरे हर टॉयलेट के अंदर एक ट्रे होगी जिसके अंदर आई विल कीप, मैंने उर्वशी के घर पे देखा था एक्चुअली, सो शी डिड इट वेरी वेल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका वो आइडिया। तो ये मेरे हर टॉयलेट के अंदर ये ट्रे होगी और उसमें मैं छोटा सा ही ऐसे फ्लावर पॉट रखूंगी और देन वी विल हैव आवर डिफ्यूजर और द सोप डिस्पेंसर, तो ये सब कुछ रखूंगी अपने टॉयलेट्स में। और ये हम गाइस कुछ आने वाला है और ये कंबल आया है उसके लिए, बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। मुझे ना वो वुडन वाले हैंगर ही अच्छे लगते, गोल्डन ही मिले। थैंक यू, मिले नहीं, कोशिश करी थी अबीर के कमरे के लिए। मैं लाई हूँ नई फिटेड शीट येलो कलर की, ठीक है, डेनिम से, और इसका प्राइस है सिर्फ 10 pounds, तो अच्छी है, प्योर कॉटन है। और ये हम अपने अपने रूम के लिए लाई हूँ, तो ये दोनों बेडशीट्स आज रात को बिछा देंगे, ठीक है, नई वाली। मैं कोशिश करती हूँ जब भी दिवाली होती है ना तो मैं अपने बेडिंग नई बेडिंग बिछाती हूँ, जितना हो सके नई नई चीजों को यूज करती हूँ मैं दिवाली वाले दिन, तो यप, सो वी विल डू दैट। और ये तो टिश्यू पेपर्स का चाहिए। और ये फाइनली मुझे मेरे डाइनिंग टेबल के लिए प्लेट होल्डर्स मिल गए हैं गाइस, दिस आई बॉट इट फ्रॉम डनम। वैसे बहुत सी जगह से मिल जाते हैं प्लेट होल्डर्स, इसमें सिल्वर, कॉपर, ब्लैक, हर तरह का कलर आता है, और ये एक पाउंड का है। नाइस, क्योंकि हमारा मार्बल टेबल है ना वो, फिर उसमें स्क्रैचेस लगते हैं। हां, उसमें स्क्रैचेस लगते हैं प्लेट से, तो दिस इज वेरी नाइस। और ये वो सफाई के कपड़े खत्म हो गए थे, ठीक है। ये मग, इसके बारे में बात ना ही की जाए, गेस करने वाले इंडिया वाले एक मग थोड़ा छोड़ सकते हैं। और कैन ओपनर, पुराने वाला फेंक देना प्लीज, ठीक है, क्योंकि पुराने वाला खराब हो गया। और छोटी वाली स्पून्स, ये हमारे कमरे के लिए कोस्टर, रात को बैठ के तो मेरे साइड टेबल्स पे शीशे के टेबल पे कप रखते रहते ना प्लेट में, कोस्टर यूज करना, ठीक है, प्लीज ये ऊपर ले जाना। वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, हां नाइस बना हुआ है। चाकू भी लाई हूं मैं मारने के लिए, नहीं भाई बहनों, सब्जी काटने के लिए। नया पति लाए हो? उसकी मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती, दिवाली में चेंज करती हूं, मेरे को लगा था प्यार एक ही बार होता है, शादी एक ही बार होती है, लिपिक सूर्य का फंडा है। अच्छा, लिखा तो है रियलिटी, जॉयज, होप, फ्यूचर, यही जिंदगी है जी। तो बस यही शॉपिंग थी गाइस मेरी, कुछ ज्यादा बहन ने कुछ खास इतनी शॉपिंग नहीं करी है, दिवाली की शॉपिंग और धनतेरस की शॉपिंग के लिए हम आज जा रहे हैं। सो होपफुली कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। और बस अब फटाफट से तैयार शुरुआत करें, चाय वाय पिए। तो गाइस, तो गाइस अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अपने, एक मिनट, यही पीछे सारे वो आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे सब है। देखो अब फिर वही बात करें, तो क्या हो गया, कपड़े ही तो ठपे हैं आपने, मैंने समझाया है इसको कि फैमिली है अब हम सब। सीखे भी आ रहे हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम मिलेंगे आपसे, बहुत स्पेशल व्लॉग्स आने वाले हैं अब तो, दिवाली के, धनतेरस के और सेलिब्रेशंस के, तो बस फिर हम आपके साथ बने रहेंगे। लाइटें लग चुकी हैं हर जगह। हाँ, वो आपको हम आज रात को, बल्कि आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे, छोटू भी आ गया हमारा। लाइट्स लग चुकी हैं और तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं, छुट्टियां हो गई हैं, अब बस हमें दांत का दर्द दोबारा आ रहा है भाई, इसके दांत के दर्द को ठीक करते हैं और हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो लेट्स से बाय टू एवरीवन, बाय बाय।